मैं अपनी बात एक दोहे के माध्यम से रखना चाहूंगा बाबा साहब के सम्मान में। बिगाड़े काम जिसने उसे शैतान कहते हैं, बनाए काम बिगड़ों के उसे इंसान कहते हैं, निकाले हल जो मुश्किल का उसे विद्वान कहते हैं, जो गिरतों को उठाता है उसे भगवान कहते हैं। बोलो बाबा साहब जी। मेरे श्रद्धेय साथियों, हमारा प्रथा हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी अजर और अमर है। हमारा पुरखा इस बहुजन समाज को चेता करके गया है कि मेरी जय जय काम मत करना, मेरे अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना। जो बैनर लगा हुआ है इस पर एक बहुत क्रांतिकारी नारा लिखा हुआ है, बहुजन एकाय बहुजन सुखाय। जब हमारे इष्ट ने, जब हमारे संस्था ने, जब हमारे वैज्ञानिक ने जब ये नारा दिया तो उस समय बहुजन दुखी होगा और अल्पजन सुखी होगा। अल्पजन सुखी होगा, बहुजन दुखी होगा, उसी कारवा को पलटने के लिए महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन एकाय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा का आंदोलन चलाया है। और इस बहुजन आंदोलन को बीच बीच में बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष सत साहेब कबीर, संत शिरोमणि गुरु रविदास आप महान संतों ने और आप महापुरुषों ने, आखिर में बाबा साहब ने और बहुजनों के हृदय सम्राट मानवर काशीराम साहब ने बड़े दिल की गहराइयों से त्याग और बलिदान करके इस आंदोलन को चलाया है। मानवर काशीराम साहब ने DX4 भी बनाया, बहुजन समाज पार्टी भी बनाई और वामसेव संगठन भी बनाया। तो मैं वामसेव संगठन पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। वामसेव संगठन कर्मचारियों का एक संगठन है, इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं। वामसेव एक आंदोलन है, वामसेव एक विचारधारा है, वामसेव एक इंस्टीट्यूट है। वामसेव में सरकारी कर्मचारियों को दिल और दिमाग से, मन और मस्तक से पढ़ाने का काम किया जाता है। जो लोग शिक्षित होते हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है, ये वामसेव का मेन एजेंडा है। जो लोग शिक्षित हुए हैं समझना इस बात का है कि जो लोग अपने को शिक्षित मानते हैं क्या वो लोग शिक्षित हुए। आज का दिन 18 मार्च बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारा पुरखा आगरा की सभा में आंसुओं से रोया था और उस पुरखे ने महसूस किया था ये मुझे धोखा दिया है तो बड़े लिखे लोगों ने दिया है। मैं जब आज गाजियाबाद से चल रात मैंने 12 घंटे की ड्यूटी की है, एक मिनट नहीं सोया, ला करके कपड़े चेंज करके यहाँ आया। बोलो एक बाम से मानवर काशीराम साहब के नाम से आ रही है मैदान में, तो उसके भी विचार हमको सुनने चाहिए। तो काशीराम साहब बड़े लिखे लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करते थे। आज हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार भी आज पहला नौ दुर्गा का पहला दिन है। जो पढ़े लिखे लोग उस नौ दुर्गा के जन जागरण में लगे हुए हैं क्या बाम से उनको पढ़ा लिखा मान ले, कदापि नहीं। जो बाबा साहब के मिशन से, बाबा साहब के इस भारतीय संविधान से जो अच्छे अच्छी नौकरियों पर ऐसा आराम कर रहे हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग और मन और मस्तक गुलाम है, क्या हम उन लोगों को पढ़ा लिखा मान ले। उनके दिल और दिमाग की गंदगी को, उनके मन और मस्तक की गंदगी को इस वामसेव नाम के स्कूल में सुधारा जाता है। क्योंकि इस भारत में तीन स्कूल ऐसे चलते हैं जो लोग अपने अपने पुरुषों और पूर्वजों की विचारधारा को सिखाते हैं। सबसे बड़ा संगठन आज
हिंदूवादी विचारधारा को अपने लोगों को समझाने की बात करता है, उसको टक्कर देने वाला दूसरा समाज वांछित संगठन है, जो हमारे पास कम साधन होने के बावजूद भी दुश्मन को कड़ी टक्कर दे रहा है। और तीसरा स्कूल कम्युनिस्ट लोगों का है, जो इस कैडर में अपने पुरखे और पूर्वजों की विचारधारा को समझ लेता है और दिल और दिमाग से और मन और मस्तक से मजबूत हो जाता है, वो बहुजनता बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़ जाता है। अभी नारे की चर्चा हो रही थी, काशी राम साहब की नेक कमाई और बहुजनों के काम में आई और चमचों ने लूट मचाई, ये मेरा सोच है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिन काशीराम साहब ने जिन पे भरोसा किया उसका नारे का रूप ही बदल दिया, जिसकी जितनी थैली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हमको चिंतन और बोध करने का समय आ गया है कि कौन सा काम से संगठन अपने नसीहा मानकर काशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। मेरे साथियों, साहब के हाथ में पेन है और पेन से साहब 1585 का काम समझा रहे हैं। दुश्मन ने उसकी काट को ढूंढ लिया और दुश्मन ने मुसलमान को अल्पसंख्यक बोल दिया और हिंदुओं को बहुजन बोल दिया। हमारे लोग दुश्मन की भाषा के अर्थ को समझ नहीं पाते और वो बार बार चिल्ला रहा है कि हिंदुओं पर इन अल्पसंख्यक मुट्ठी भर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। और हमारे जिनको आप बहुजन बहुजन चिल्ला रहे हैं वो बहुजन नहीं है, वो दुश्मन की जेल के कैदी हैं। कोई जाट जाति की जेल में बंद है, कोई नाई जाति की जेल में बंद है, कोई चमार जाति की जेल में बंद है, तो कोई घीमरपासी गड़वे जाति की जेल में बंद है। और हमारे लोग उन जाति को ही समाज मान बैठे हैं कि यही हमारा समाज है, जाति हमारा समाज नहीं है। हम भी एक छोटा सा संगठन चलाते हैं, हमने ये महसूस किया है और माननीय काशीराम साहब की भी चिंता की कि बहुजन समाज पार्टी तो मैंने बनाई लेकिन मैं बहुजन समाज नहीं बना सका। मेरे साथियों, इस संसार में हमारा समाज नहीं है। बात को बड़ी गहराई से समझना, मैं बोलता हूं तो बड़े डंके की चोट पर बोलता हूं और सीधा सीधा बोलता हूं, इस भारत में हमारा कोई समाज नहीं है। समाज बनाया कौन, समाज को बनाने वाले आएंगे कौन, जबकि हमारा पुरखा हमको एक ऐसा वसीयत नामा लेकर के गया है, वो वसीयत नामा दुश्मन के कब्जे में रखा हुआ है, उस वसीयत नामा के बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैसे हमारे पुरखा ने वसीयत नामा में लिखा है समता, क्या हम लोग समता की बात करते हैं, कौन सी समता की बात करते हैं, क्या धन दौलत की समता की बात करते हैं। हम लोगों को समता के लिए काम करना होगा, जो हमारे इस मन मस्तक में और दिल और दिमाग में जो कट्टर ब्राह्मणवाद और मनुवाद घुस गया है उसको सबसे पहले क्या करना होगा। बाप बेटी से नहीं बोलता, पति पत्नी से नहीं बोलती, भाई बहन से नहीं बोलता, हमारे घर में ही प्यार नहीं है, पड़ोसियों से तो जब प्यार होगा। और हमारा समाज तो 6743 जातियों में टुकड़े 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 और टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, जाति 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 और जातियों में बटा हुआ समाज है, दल 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 और दलों में बटा हुआ समाज है। इस समाज को जोड़ेगा कौन? मानवर साहब के जाने के बाद ये कारवा बंद हो गया, ये बांध से काशीराम यदि संकल्प करती है हमें जाति विहीन समाज बनाना है, जातियों की जेल को तोड़ना होगा और समता मूलक समाज के लिए संकल्प करना होगा और समाज में फैल हुई कुरीतियों को
आंदोलन चलेगा तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन इस देश में यदि जाटव और वाल्मीकि जाति की दोनों कम्युनिटियां मिल जाती हैं पूरे देश में, तब भी हम दुश्मन को टक्कर दे सकते हैं। और यही बात हमारे वाराणसी की, इस जाटव जाति के लोगों ने हमेशा इस्लाम के लोगों का सम्मान किया है और इस्लाम के लोगों ने भी हमारे जाटव जाति के लोगों का तहे दिल से सम्मान किया है। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन आज मेरे इस ब्रादर इस्लाम के लोग भी भटक गए हैं। ब्रादर इस्लाम के लोगों को ही उनके दिमाग में भी ब्राह्मण भाव घुस गया है। वो हमारे गरीब शोषित समाज के बीच में बैठना पसंद नहीं करता। मेरे साथियों, हम पर दुश्मन जो हम चिल्लाते हैं, दुश्मन कभी बात नहीं करता। मैं आपको एक एग्जाम्पल कासगंज का देना चाहूंगा और पूरे देश में यही हो रहा है। हम सब जो कर्ज नहीं निकाल पाए, एक बनिया समाज का, गुप्ता समाज का एक लड़का मरा, तो सबसे ज्यादा खून किसका खोलना चाहिए था? बनिया का खोलना चाहिए था, लेकिन बनियों का नहीं खोला। जो ओबीसी के लोग हैं उन लोगों ने उत्पात किया। और जो योगी महाराज जी जो बैठे हैं, जो न्याय का जो डंका बजाते हैं, उन्होंने 16 ओबीसी के लोगों को हिंदू नाम की उपाधि देकर उनको अरेस्ट कर लिया और 110 मुस्लिम भाइयों के बच्चों को अरेस्ट किया। हमारा बहुजन समाज तो मरा। जिनसे आप लड़ना चाहते हैं, जो हमको क्षति पहुंचा रहा है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम लड़ाई लड़ेंगे किससे? बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा और समझदार उस व्यक्ति को मानता हूं जो दोस्त और दुश्मन की पहचान को पहचानता हो। क्या हम दोस्त और दुश्मन की पहचान को कर पा रहे हैं? इस पवित्र संविधान में एक हथियार दिया है, दुर्भाव हो गया। इधर बार करेंगे उधर भी बार करेगा, इधर बार करेंगे तब भी बार करेगा, सामने बार करेंगे तब भी बार करेगा। क्या हम उस हथियार की प्रेरणा को समझ पाए? संविधान खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है, सब कुछ रुक रहा है, हमारी जान भी खतरे में है। जब मरना ही है तो हमको करना क्या चाहिए भाई? क्या बगदादी की तरह कट्टा बंदूक तोप कर तलवार चलाई जाए? क्या कट्टा बंदूक तोप तलवार से क्या हम आंदोलन जीत पाएंगे? क्या बगदादी जीत पाया है या लादेन जीत पाया था? कदापि नहीं। यदि हम जीत पाएंगे तो इस ऊपर वाले की कृपा से जीत पाएंगे। इस ऊपर वाले के पास एक तीसरी आंख है जिसे बुद्धि और चक्षु की आंख बोलते हैं। जो इंसान अपनी तीसरी आंख को खोल करके रखेगा, विजय उसकी होनी है। और जो इस तीसरी आंख को बंद करके रखेगा, बुद्धि की और अकल की आंख को बंद करके रखेगा, वो अपना पतन की ओर जाएगा। तो मेरे साथियों, हम लोग अंधभक्त हो गए हैं। हम व्यक्ति विशेष की जय जयकार करने में लग गए हैं। बाम से संगठन नेता पैदा करता है, नेता बाम से संगठन को पैदा नहीं करता। हम उस नेता का सम्मान करेंगे जो बाम से काशीराम साहब के खेल का, बाम से काशीराम साहब के साधारण कार्यकर्ता का सम्मान करेगा। हम उस नेता का सम्मान करेंगे। लेकिन देश में हो क्या रहा है कि हमारे बाम से के लोग और उन जो हमारा नौकर है, जिसको हमने नौकर बना करके भेजा है तुझे एमपीए में बन करके हमारी सेवा करनी है और उसके लिए जयमाला लगी खड़ा है, यही सबसे हमारे पतन का कारण है। हमने उनको अपना मसीहा मान लिया है जबकि वो हमारा नौकर है। उनको हमने सेवा करने के लिए चुना है। एमपीए में विधायक मुख्यमंत्री की सीट सामने होगी और बाल सब के सामाजिक कार्यकर्ता का यह मंच होगा। बात हमारे जल्दी करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मोहन भारत जी के आम पर नाक रगड़ता हुआ आता है। जब भी कार
छोटे कार्यकर्ताओं को जयमाला लगा के खड़ा है, सम्मान नहीं मिलेगा सामाजिक कार्यकर्ताओं को। मेरे बात बहुत बोलती है तो गुस्सा आता है, क्या डर देता हूं, दिल में आग है, समाज जाग नहीं रहा, समाज के लिए काम नहीं हो रहा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं, कोई छुट्टी में घर पे नहीं बीतता, कहीं कहीं में जाता ही रहता हूं। जो बाबा साहब ने किराया दिया है किराए का सदुपयोग करता हूं, चाहता हूं कि मेरा समाज बंधुता भाईचारे में जुड़ जाए और दुश्मन को हम कठिन टक्कर देंगे। लास्ट में एक दो अपनी बात को कहकर समाप्त कर देता हूँ। आखिर तक फंसता रहा लिया बहुतों का सहारा है, आखिर तक फंसता रहा लिया बहुतों का सहारा है, धोखा हमें देते रहे ना दिखाया कोई किनारा है। और बौद्ध धर्म अपना लो सारे, यही धर्म हमारा है। एक बार सब मिलकर बोलो जय हिंद हमारा। जब तक आप हिंदू रहोगे छुटोगे, तुम्हारा आरक्षण भी खत्म होगा, संविधान भी खतरे में रहेगा। जब तक इसे हिंदू धर्म की विचारधारा में लाभ नहीं मांगोगे, जब तक आप सम्मान के असंभव करना। इन्हीं कम शब्दों में आपको मेरा प्यार भरा जाएगी। नमस्कार, जय बोलो समाज।